Hello friends, good morning. Hope you all are doing well. So right now time is 6:37 a.m. and we are in Srinagar, the capital city of Jammu and Kashmir. So हम अभी डाल लेक के किनारे ही हैं, तो अभी सुबह सुबह 5-10 मिनट के बाद डाल लेक जाएंगे और उससे वो 15-20 मिनट विजिट करने के बाद आज का प्लान है हम एज मच एज डिस्टेंस कवर करें क्यों। मॉर्निंग फॉक्स, सो नाउ टाइम इज 6:47 a.m. एंड यस्टरडे वी स्टेड एट होटल रेजेंसी। सो डाल लेक इज अराउंड 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सो तो होटल से हम जा रहे हैं, चेकआउट तो कर चुके हैं। ओके, पार्किंग के लिए अच्छा स्पेस था होटल में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पार्किंग के लिए जगह नहीं होते हैं। हे, आप लोग देख सकते हो डाल लेक, बहुत सारे बोट है। एक्चुअली डाल लेक को भी घूमने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, लेकिन मैंने जैसे आपको मेंशन किया कल, उसका फ्लाइट है रात को और हमें 821 किलोमीटर मोर जाना है दिल्ली में रीच करने के लिए, तो ज़्यादा तो घूम नहीं पाएंगे। लेकिन आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, वाओ। फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे डाल लेक देख सकते हो और पीछे पीछे स्टे करने के लिए भी लेक पे बोट है, मोटर बोट तो नहीं है, वो बड़ा बड़ा बोट है, वो आप नाइट स्टे भी कर सकते हो। और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से चार्जेस फिक्स है, मतलब आप 600 पर आवर राइड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, दैट मीन्स 240 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो ऐसे शिकार राइड, मोटर बोट, बाथिंग बोट, सो सभी के लिए रेट फिक्स है, तो कोई ज़्यादा भी नहीं ले सकता है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे व्यू। एक्चुअली ये लेक बहुत लंबा है, मतलब ये मतलब अराउंड 5-6 किलोमीटर तक तो ये फैला हुआ है, और आई एम नॉट प्रेटी श्योर, बट ये सबसे बड़ा मतलब मीठा पानी का लेक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इट लुक्स ग्रेट। सो यहाँ पर एक्चुअली शिकारा बोट में जो जाते हैं ना, बीच में लोग चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, और यहाँ पर अंदर डाल लेक के अंदर मार्केट भी है। तो हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर फोटो वगैरह कुछ खींच के चले जाएंगे, क्योंकि हमें और भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। तो फ्रेंड्स, डाल लेक में 15-20 मिनट टाइम स्पेंड किए। क्या है ना, मतलब ठंड के मौसम में ये पूरा फ्रीज हो जाता है डाल लेक, तो अभी तो ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया। वो भाई या भैया बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ा है, मतलब 50 किलोमीटर लेंथ है इसका। मुझे तो एक्चुअली डायमेंशन के बारे में पता नहीं, आई विल अपडेट यू वंस आई गूगल इट। अभी हम जा रहे हैं पंपर, वहाँ से केसर खरीदने के लिए, क्योंकि वहाँ पर केसर की खेती है और वहाँ पर मिलेगा। एक्चुअली और एक मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, जब भी आप काश्मीर घूमें ना, जो भी चीज़ खरीदे उससे पहले उसका प्राइस पूछ ले बार बार, क्योंकि भाई ये लोग, सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो टूरिस्ट को लूटना चाहते हैं, तो बी केयरफुल। ये सिर्फ काश्मीर का बात नहीं है, जहाँ भी आप जाएँ, मतलब थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि वरना लूट लेंगे आपको। यहाँ पर हर 1-2 किलोमीटर में आग फूटते रहते हैं, और मेरे लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खरीदा, और अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं। पुलवामा अटैक के बाद जब भी कोई पंखेर जाता है ना, तो रोड ब्लॉक हो जाता है,
जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मेरे सामने बानीहाल टनल नंबर NH4 1790 मीटर का है ये टनल। क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हार्डली 20 किलोमीटर आए 2-3 घंटे में, मतलब पूरा दिन ट्रैफिक जाम ही था। ये भाई क्या स्पेशल ऑपरेशन कुछ हो रहा है आई गेस। बहुत सारे रहे बाढ़ वगैरह होने वाला है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा कभी देखा नहीं था, मतलब पूरा फुल सेटअप। क्या हो रहा है आजादी का, कोई वार फार वगैरह करने के लिए जा रहे हैं क्या? स्पेशल ऑपरेशन कर रही है, मतलब 5 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, और कैसा माहौल।